एक नजर हेडलाइंस पर। चोर ने किया एटीएम तोड़ने का प्रयास, सीसीटीवी में कैद की तस्वीरें। बस को लगाई आग, बस जलकर हुई पूरी तरह खाक। समाचार विस्तार से। स्टेशन चौराहा स्थित कैनरा बैंक में बीती रात एक चोर ने एटीएम तोड़ने का प्रयास किया। उसका यह प्रयास सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसमें उसका चेहरा स्पष्ट नजर आ रहा है। एक युवक कैनरा बैंक के सामने आता है, इसी दौरान उसका फुटेज बन जाता है। वहीं एटीएम के अंदर जाने पर वह मुंह पर कपड़ा बांध लेता है। वह लोहे की रॉड से एटीएम को तोड़ने का प्रयास करता है, परंतु असफल हो जाता है। वहीं बैंक के मैनेजर ने कोतवाली में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। पूरा चेहरा दिखाएगा। कल रात को 3:30 के करीब एक व्यक्ति आया है, जो पहले बिना चेहरा ढका हुए आया था। तो पहले उसने देखा है एटीएम के आसपास कोई है तो नहीं, गार्ड नहीं है, ये जानकारी ली उसने पहले। फिर वो वापस गया है, फिर थोड़ी देर फिर चेहरा कवर करके आया वो, और फिर एटीएम के अंदर गया और सब्बल लेके आया वो, जो उसने अंदर से निकाला है। फिर उसने वो सब्बल से एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसका वो प्रयास असफल रहा है, इसलिए वो कुछ हानि नहीं कर पाया एटीएम में। एक रात को 3:30 घटना हुई हमारे एटीएम के लल्लूपुरा गांव में। बीती रात पुराने विवाद के चलते एक बस में आग लगाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कृष्णा राय कंपनी की बस को गांव में रात को आग के हवाले कर दिया गया। लोगों के अनुसार बस को पुरानी रवैयत के कारण आग लगाई गई। पुलिस ने मामला जांच में लिया है। Thank you.